प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोट ब्लॉक के क्यूराली गांव पहुंचकर एक किसान द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। पूर्व सीएम ने बताया कि क्यूराली गांव में किसान आनंद नेगी अपने गांव में वापस आकर पलायन को रोकने के साथ ही किसानों के लिए एक प्रेरणा बन रहे हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर 550 से अधिक सेबों के पौध लगाई थी। इसके साथ ही अन्य प्रकार की खेती भी कर रहे हैं जिससे उन्हें अच्छी आमदनी मिल रही है। जिस तरह से लोग अच्छे रोजगार के लिए मैदानी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आनंद नेगी जैसे युवक जो लंबे समय से समाज सेवा के साथ साथ अब अपने गांव लौटकर अपने गांव को आबाद करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव के अन्य लोग जो अपने खेतों को बंजर छोड़ रहे हैं, उनसे अपील की गई है कि खेतों को बर्बाद ना करें और इन्हें कृषि और बागवानी के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाए। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है कि एक दिल्ली में अपना नौकरी पेशा करते हुए और उन्होंने पहाड़ का रुख लिया, ऐसे आनंद सिंह ने जी, जो कि दिल्ली में नौकरी नहीं तो समाज सेवा का भी काम करते रहे। कोविड के समय भी इन्होंने बहुत काम किया है और उसके बाद फिर यहाँ रुख लिया, तो यहाँ भी इन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए और कई नालियाँ जमीन लेकर और उसमें उद्यानिकी विभाग से बातचीत करते हुए और आज मुझे लगता है कि 800-900 पौध सेब की और जिसने सेब पहला वो दे भी दिए हैं फल और साथ में पॉली हाउस देख रहा हूँ कि 9-10 पॉली हाउस जिसमें इन्होंने मटर बोए हैं, साग सब्जियां लगाई हैं और मटर भी इन्होंने एक बार का बाहर भी सप्लाई किया है, शायद अब सेकंड राउंड होगा जो ये मिशन के अंदर। आज मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे माननीय सांसद जो पूर्व में सांसद थे, पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनका हमारे यहाँ आना हुआ और उन्होंने हमारे पॉली हाउस और सेब का बगीचा देखा, सब्जियों के बगीचे देखे और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं प्रेरित करी हैं और मैं उनके दिल की गहराइयों से धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं सब लोगों को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि आप अपने जो हमारा गढ़वाल है, हमारा उत्तराखंड है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शानदार है और अगर हम लोग जो हमारे जो बाहर जो लोग हैं अगर वो आकर के यहाँ पर कुछ करें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और इसमें हमारे को केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। हर चीज़ में सब्सिडीज है और सिर्फ काम करने की सोच हमें हमारे को आएगी तो हम कर सकते हैं। इसके लिए जो बाहर के लोग हैं अगर वो हमारे गांव के वासियों को, हमारे गांव के जो लोकल लोग बच्चे हैं, लोकल लोग हैं, अगर उनको प्रोत्साहित करें तो निश्चित तौर पर ऐसे जैसे जो मैंने किया है वो सब लोग कर सकते हैं।